इस वक्त की बड़ी खबर, विरार पश्चिम की एक दुकान में भीषण आग लग गई। ये दुकान होटल बताया जा रहा है। यहाँ पर सामान्यता रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण आसपास के लोग भोजन करने के लिए आते थे। यहीं पर आज सुबह करीबन 7:54 के आसपास भीषण आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दुकान पे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। पहले जब धुआं निकलना शुरू हुआ सुबह करीबन 7:30 और 8 के मध्य, तो लोगों ने देखा, उसके बाद ये धुआं आग में तब्दील हो गया। इस भीषण आगजनी के बाद आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया और दमकल कर्मी जब तक वहां पहुंचते हैं आग अपना विकराल रूप ले चुकी होती है। फिलहाल आग में काबू पा लिया गया है। इस पूरे मामले पर हमारे स्थानीय संवाददाता रवि कुमावत ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। हाँ रवि जी, घटनास्थल पर क्या कुछ हुआ, क्या जानकारी है? सर, घटनास्थल पर अभी इस वक्त विरार वेस्ट में सबवे से बाहर घुमटकर मिसल है। इस मिसल की दुकान में आग लग गई है। आज सुबह 7:54 पे 7 बजे के आसपास वो आग लगी और पूरी तरह से दुकान जल के खाक हो चुकी है। आसपास की दुकानों को भी फर्क पड़ा है। पास में एक एटीएम था, वो एटीएम पूरी तरह से जल गया है। उसके पास एक एमआई का स्टोर था, वहां तक आग पहुंच गई थी। और कारण क्या बताया जा रहा है? सर, प्रारंभिक तौर पे तो ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्योंकि दुकान बंद थी और बंद दुकान में आग लगी, तो अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। और गनीमत ये थी, दुकान बंद थी, सुबह का टाइम था, इसलिए ज्यादा भीड़ नहीं थी। ये बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यह स्टेशन के पास वाला दूसरी ही बिल्डिंग, स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो दूसरी ही बिल्डिंग में वो आग लगी है। नहीं, जान मान की कोई हानि नहीं हुई। सुबह दुकान बंद थी, इसलिए दुकान में कोई नहीं था, और जब आग लगी तो उसके बाद जैसे ही आग की लपटें बाहर पहुंची, आसपास की दुकानों तक पहुंची, तो लोग थोड़े से सावधान हो गए। What's the matter?